यूपी के बरेली में बीजेपी नेता निदा खान को सिर कलम करने की धमकी मिली है। निदा विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत खानदान की बहू भी रही है। निदा ट्रिपल तलाक पीड़िता और आला हजरत सोसाइटी की अध्यक्ष भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कट्टरपंथी निदा खान से नाराज है। निदा खान को फोन पर मैसेज कर सिर कलम करने की धमकी दी गई है। दरअसल बरेली में एक समाज सेविका और भारतीय जनता पार्टी की नेता को धमकी देने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कट्टरपंथी लोग निदा खान को फोन पर मैसेज करके सिर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। निदा के पास आए मैसेज में लिखा है कि तेरी जैसी औरत के चक्कर में मुसलमान तबाह है, तेरा सिर काट कर चौराहे पर लटका दूंगा, तेरी वजह से मुसलमान औरतें बागी हो रही हैं, तेरा सिर काट कर सबको खामोश करूंगा। परसों मेरा जजमेंट हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस में, और जिसमें देखा जाए कि अपील में मेरे हस्बैंड चले गए थे जजमेंट के बाद, तो ये दूसरा जजमेंट है जो कोर्ट ने किया है उनके अगेंस्ट, उनकी अपील रिजेक्ट करके। और उसके बाद से ही देखा जाए कि उनके जो लोग हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरा सर काट के चौराहे पे ले आएंगे, और मुझे जो पेनल्टी है उनके ऊपर वो 10 लाख रुपए ना दे के 10,000 गोलियां डालेंगे। तो इस तरीके के वायलेंट भरे मैसेजेस मुझे आना शुरू हो गए हैं और एक तरीके से थ्रेट देने लगे लाइफ को लेकर। और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो परिवार इतना सक्षम है कि वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदा खान के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। निदा खान के शादी के बाद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। पूरी तरह से पिटाई के कारण निदा का गर्भपात हो गया था। निदा खान का आरोप है कि उन्हें अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया है जिसमें उन्हें धमकी देते हुए 10 गोली मारने की भी बात कही गई है। कोर्ट ने जो जजमेंट किया है उसको पुलिस को एग्जीक्यूट कराना चाहिए, ना कि हमें समझाना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं या वैसे नहीं। और देखा जाए अभी भी उनका एक अरेस्ट वारंट चल रहा है, हाल ही में 30 जुलाई तक उसकी मतलब वो चलेगा, उसके बाद हियरिंग है। तो पुलिस उस तक में आज तक ना रिकवरी करती है ना अरेस्ट करती है। नवंबर 2023 से लगातार उनके अरेस्ट वारंट जा रहे हैं और पुलिस एक ही रिपोर्ट देती है कि वो घर पे नहीं मिला, जबकि वो कोर्ट की सारी हियरिंग्स में आएगा लेकिन पुलिस को वो नहीं मिलता है। तो साफ देखा जाए कि पुलिस उन लोगों के साथ मिली हुई है जो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर पुलिस ही हमारा साथ नहीं देगी तो हम कैसे अपना काम करेंगे। जो शासन है, हम गवर्नमेंट की बात करें, वो चाहता है कि महिलाओं के साथ इंसाफ हो, लेकिन जो प्रशासन है वो किसी भी तरीके से मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और जो उन शासन की उम्मीद है उस पर आराम से पानी फेर रहा है, तो उनको लगता है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर वो मेरे साथ न्याय करेंगे। लेकिन देखना चाहिए कि उनके लिए वो लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी के साथ न्याय से, कि उनका मतलब है कि किसी के साथ अन्याय होता रहे लेकिन हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। निदा खान ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री योगी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शिकायत की है। ये धमकी उन्हें उस वक्त मिली जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निदा के पति शिरान रजा को हर महीने उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। देखिए ये मेरा पहला मामला नहीं है जो मुझे धमकी मिली। आज से पहले मैं 11 मुकदमे दर्ज करा चुकी हूँ लाइफ थ्रेट के, लेकिन सब में वो 506 और 509 की FIR लिखते हैं और चार्जशीट लगाते हैं और सबमिट कर देते हैं। आज तक उन्होंने कभी किसी को अरेस्ट नहीं करा है, तो मुझे पता है कि अभी भी मैं मुकदमा लिखवाऊंगी। और वो सिर्फ ये होता है कि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है मेरे ऊपर, बर्डन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन लोग के साथ कुछ नहीं होता है। और ये लोग एक इतना बड़ा परिवार है, आला हजरत का परिवार, जिसमें अभी भी उर्स होने वाला है अगस्त में, जहाँ लाखों लोग आएंगे। तो आप समझिए कि मेरे साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है कि मैं एक अकेली महिला आने जाने के लिए, और इतनी सुरक्षा में चूक करते हैं ये लोग कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतने परिवार से पुलिस उनके साथ मिलके ये सब करवा रही है। वहीं पूरे मामले पर थाना बारादरी प्रभारी अमित पांडे का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। निदा खान और उसके पति के बीच तलाक हो चुका है और कोर्ट में मामला चल रहा है। बता दें कि निदा खान के खिलाफ कई साल पहले भी शहर के काजियों ने फतवा जारी किया था। फतवे में निदा और उनके परिवार को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। फतवे के हिसाब से उन्हें कोई भी दुकानदार चीज नहीं दे सकता, साथ ही मौत होने पर जनाजे में भी किसी को शामिल नहीं होने के लिए कहा गया था।